So let us understand the apparent weight of a man in the elevator or lift. Newton third law of motion. Suppose that this is a table और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. इसका मास जो है m है. इसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एंड इट्स गेटिंग नॉर्मल एक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ये रेस्ट पे तभी है अगर इसका वेट डाउनवर्ड. दिस फोर्स W इज इक्वल टू एम जी बैलेंस्ड बाई ए नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ही बॉडी को जो है इसके परपेंडिकुलर मिलता है. ना तो ऐसे होगा इसका डायरेक्शन, ना तो ऐसे होगा. इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. राइट, वेट हमेशा ही अर्थ के सेंटर की तरफ, क्योंकि ग्रेविटी का वैल्यू अर्थ के सेंटर की तरफ होता है. अगर मैं ऐसे भी रखूँ इसका किसी ऑब्जेक्ट का पोजिशन, तो थोड़ी देर ये अपने आप रिलीज करूँ तो ये इट विल होल्ड द पोजिशन एट इक्विलिब्रियम लाइक इन दिस वे. ये सेंटर की तरफ डायरेक्ट हो जाएगा अपने आप. तो नीचे वाला फोर्स एक्शन फोर्स, एक्शन इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन. तो लिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, व्हेन ए मैन इज इन लिफ्ट एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड एंड अपवर्ड. सपोज दैट व्हेन ए मैन इज इन लिफ्ट एक्सेलेशन, लिफ्ट मूव नहीं कर रहा है, एक्सेलेशन जीरो है, तो वेट जो है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी और नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है आर. तो मैं बोलूँगा आर इज इक्वल टू एम जी. नो एक्सेलेशन, ये रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे दोनों फोर्सेज है. When an object is under the action of equilibrium forces, बराबर balanced forces लगती है, तो इसमें कोई acceleration produce नहीं होता है. Object is always accelerating under the action of unbalanced forces, right? Case number second, second case देखिए. मान लेते हैं ये man है और ये lift है, ये man है, lift है, और इसका weight downward, ऊपर की तरफ normal reaction, and lift is moving in the upward direction with acceleration a. अब lift ऊपर move कर रही है, इसका क्लियर मतलब है ऊपर वाली फोर्स जो है नीचे वाली फोर्स से ज़्यादा है, आर ज़्यादा है एम जी से, तभी लिफ्ट ऊपर मूव करेगी. यही कंडीशन है, तो आर इज़ ग्रेटर देन एम जी. आर भी फोर्स है, एम जी भी फोर्स है, तो दोनों का डिफरेंस, तो मैं ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा है तो आर माइनस एम जी, ये चीज़ इसको चलाएगी. आर में से एम जी जो फोर्स बची वो बची मेरे पास एम ए, मास इंटू एक्सेलेरेशन. तो मेरे पास आर आया, आर इज इक्वल टू एम जी, राइट साइड में चला गया एम जी प्लस एम ए. R इज इक्वल टू एम इन टू जी प्लस ए. जो एक्सेलेशन है उसमें ग्रेविटी ऐड हो गया है. वेन एन ऑब्जेक्ट एक्सेलेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन है मेरे पास. बट ऑन द अदर हैंड वेन द लिफ्ट मूव्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये एक्सेलेट कर रही है डाउनवर्ड. तो इसका मतलब क्लियर है, इसका वेट ज़्यादा है, नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया. वेट ज़्यादा है, नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा है. डब्ल्यू इज ग्रेटर देन आर, तो मैं लिखूंगा डब्ल्यू. अब ये भी फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट बचा, वो इसको नीचे की तरफ चलाएगा. W माइनस आर इज इक्वल टू एम ए, तो W इज इक्वल टू एम जी, आर इज आर इज इक्वल टू एम ए. तो R मेरे पास आ जाएगा यहाँ से एम जी माइनस एम ए, और R इज फाइनल इक्वल टू एम इन टू जी माइनस ए. जी में से एक्सेलेशन कम हो रहा है, तो ये मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन है. फोर्थ केस देखते हैं. अगर मान लो नीचे वैन फ्री फॉल, फ्री फॉल जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है, तो फ्री फॉल होता है तो एक्सेलेशन जो है इज इक्वल टू जी, इज इक्वल टू जी. आर कितना आ गया मेरे पास यहाँ से, आर इज इक्वल टू एम इन टू जी माइनस जी, इट इज इक्वल टू जी. तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एक्शन भी जीरो है. वेट इज इक्वल टू जीरो, इफ़ आर इज इक्वल टू जीरो, तो वेट भी कितना आया, वेट इज इक्वल टू, वेट तो एम जी होता है, वेट इज इक्वल टू एम जी होता है, तो वेट भी कितना आया, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन आप वेट इज इक्वल टू जीरो, वेट इज इक्वल टू जीरो. सो ड्यूरिंग फ्री फॉल ए पर्सन, ड्यूरिंग फ्री फॉल ए पर्सन इज, पर्सन एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस, वेटलेसनेस, राइट.